चलो ठीक है, यहाँ देखो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट पहला था। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है बताओ, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है याद है? कैसे वैलेंसी निकालने बताए हैं तुम लोगों को, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कितना है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर? 13 है। यस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बताओ? 2.8.3 यही होगा। यस अब ये मेटल है या नॉन मेटल है बताओ जल्दी, मेटल एल्यूमिनियम मेटल होता है या नॉन मेटल है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 3। तो ये क्या होता है, मेटल होता है ना, तो यस सर ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बताओ? जितने थ्री लूज आउटर करेगा 3 लूज करेगा तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये बताएं, ये याद रखना है वैलेंसी मेटल का। तो एल्यूमिनियम का यस वैलेंसी होता है Al3+। और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? HCO3-1, ये है ना बाइकार्बोनेट। ठीक यस है, अब कंपाउंड का फॉर्मेशन बताए थे कैसे होता है, वैलेंसी क्या होता है, यहाँ पे इंटरचेंज होता है, दोनों का वैलेंसी आपस में इंटरचेंज होगा, तो 1 इधर जाएगा और 3 इधर आएगा। तो 1 1 तो हम लोग रिप्रेजेंट करते नहीं है, 1 तो अंडरस्टूड होता है ना, और ये 3 जाएगा HCO3 में, तो पूरे HCO3 में 3 है, तो ये HCO3 और इसको हम लोग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में होल थ्राइस आ जाएगा। तो ये है एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। प्रियांशी यस सर चलो ठीक है, समझ में आ गया ये एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। यस सर चलो दूसरा क्या है बताओ? सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बताओ क्या लिखे हो फॉर्मूला? बताओ क्या है, आंसर क्या है सोडियम नाइट्रेट का? SU3N क्या SU3? सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल S होने लगा, S कब से होता है सोडियम का बताओ सिंबल क्या होगा? आदित्य बताओ, हेलो बताओ, तुम भी बताओ प्रियांशी, हेलो Na। और इसका वैलेंसी कितना होगा सोडियम का बताओ? सोडियम का वैलेंसी होता है +1। ये देखो लास्ट क्लास में ये सब करवाए हैं, ये देख लेना कॉपी में, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है बताओ? +1। और नाइट्रेट का फॉर्मूला कॉपी में देखो क्या है, NO3-1 है, देख लो जहां पे लिखा है ना सारा चीज, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NO3-1 मिला। मिला या नहीं? हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 बोलो, मिला नाइट्रेट का यस फॉर्मूला सर क्या था? सर NO3-1 NO3-1, तो वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे ना, यहाँ पे ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दोनों जगह 1 1 ही है, तो 1 रिप्रेजेंट करते नहीं है हम लोग, क्या आ जाएगा Na NO3।
चलो तीसरा क्या है बताओ? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट यही है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम का वैलेंस कितना हो जाएगा? Mg और 2 प्लस होता है, ठीक है। और कार्बोनेट का फॉर्मूला जल्दी बताओ देख के कॉपी में। बताओ कार्बोनेट का फॉर्मूला। मिला? हेलो। हाँ बोलो। कार्बोनेट का सर आप क्या बोल रहे? कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से कॉपी में देख के। HCO3-2। कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट CO3 है ना, -2। H कहाँ से आ गया उसमें? करेक्ट कर लो। कार्बोनेट का फॉर्मूला बताएं, CO3 2-, ठीक है। तो दोनों जगह 2 है, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो देखो ये आ जाएगा Mg2 CO3 whole 2। अब यहाँ देखो 2 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो दोनों को काट देंगे। दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा Mg CO3, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ? एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम का, चलो अभी बताए थे एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3। तो Al3+। और नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3-1, है ना। अब इंटरचेंज करो, यहाँ पे 1 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 1 को तो रिप्रेजेंट करते नहीं है Al, और ये NO3 और इसके ऊपर 3 आ जाएगा, तो ये सारे के ऊपर है 3, NO3 में होल थ्राइस आ गया, ये एल्यूमिनियम है। ब्रैकेट के अंदर वाला और बाहर वाला कट नहीं सकता है? नहीं नहीं ये दोनों कटेगा नहीं, ठीक है। चलो फिफ्थ बताओ। फिफ्थ क्या था? पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल के होता है, वैलेंसी कितना होता है पोटेशियम का? +1, ठीक है। और फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है जल्दी देख के बताओ कॉपी में। PO4-3-, तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताओ? K3 और PO4, पोटेशियम फॉस्फेट हो गया। और सिक्स्थ सिक्स नंबर में क्या है? एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम का वैलेंसी बताओ जल्दी। Al3+ होगा और कार्बोनेट हो गया CO3 2-, यही है ना। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वैलेंसी इंटरचेंज करो। सर आप एल्यूमिनियम का NH बताए थे। नहीं नहीं वो अमोनियम है, NH4+ जो बताए थे ना, ये अमोनियम है, एल्यूमिनियम नहीं, अमोनियम आया नहीं है, NH4+1 जो बताए हैं, ये अमोनियम आयन है, इसको ढंग से लिखो। यहाँ एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ये कौन सा है, अमोनियम है या एल्यूमिनियम है? यहाँ पे सिक्स नंबर में अमोनियम है। अच्छा ये अमोनियम है, बोलो क्या है आंसर में?
सर NH4HCO3। पिछले वाले केस में कर सकते थे यहाँ पे, रुको एक मिनट, यहाँ पे है तो x बराबर क्या हो जाएगा TQ/6, क्या लिख रहा है x equal to TQ/6, हाँ 6 मतलब जो भी आएगा उसको आप पुट कर लेंगे। ठीक है, क्या है सिक्स बताओ? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है ये है NH4+1 और कार्बोनेट होता है CO3 2-। अब ये दोनों इंटरचेंज करो, 2 इधर आ जाएगा, 1 तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये NH4 जो है ये होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे आ गया CO3, ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, सेवेंथ क्या है बताओ? कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड ठीक है। यस सर, कैल्शियम का होता है Ca और इसका पावर क्या होता है 2+, और सल्फाइड में क्या होता है S पे पावर 2-। तो दोनों जगह 2-2 ही है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा Ca, यहाँ पे देखो 2 और ये S2, तो इन दोनों में 2-2 कॉमन आ गया, तो 2-2 कॉमन आ गया, तो ये अगर कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया CaS बच गया, दोनों जगह 1-1 बच जाएगा ना। ठीक है, चलो एट्थ बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आ जाएगा Na, सोडियम का Na+1 होता है और हाइड्रोक्साइड होता है OH-1, तब दोनों जगह 1-1 है तो इंटरचेंज करोगे तो ये NaOH, यस सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाइन्थ बताओ। जीरो होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा ही नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का होता है Mg2+ और क्लोरीन का होता है Cl-1, तो इंटरचेंज करो क्या आ जाएगा ये Mg Cl2। ठीक है, टेंथ बताओ। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का होता है Al3+, सल्फेट होता है SO4 2-, इंटरचेंज कर दो, टू इधर चला गया Al2 और ये SO4 3। ठीक है, 11th बताओ। सर इतने ही तक कराए थे। सर इतने ही तक कराए थे, इतना ही था होमवर्क? यस सर। और इसके आगे नहीं था? नो सर। चलो ठीक है, इससे पहले क्या बताए थे बताओ? ये जो फॉर्मूला लिखने से पहले क्या बता रहे थे, केमिकल रिएक्शंस हम लोग स्टार्ट किए थे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखो तो। Yes, sir. उसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन बता दिए हैं मेटल का, बता चुके हैं। Yes, sir. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है कोई भी मेटल? मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है
रिएक्शन विथ वाटर हम लोग देखेंगे. सेकंड जो है रिएक्शन, लिख लो हेडिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. ठीक है, वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे. इसमें जो होता है ना वाटर, ये रिएक्शन हम लोग देखने से पहले एक मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं. मेटल, इसको नोट करते जाना, मेटल एक्टिविटी सीरीज. ये क्या होता है, अरेंजमेंट, लिख लो, ये है अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी. तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल रिएक्ट, मेटल एक्टिविटी सीरीज. मतलब इसमें अरेंजमेंट होगा, मेटल का अरेंजमेंट होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे. मतलब हर एक मेटल का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है. कुछ मेटल ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल कम रिएक्ट करते हैं. उनका रिएक्टिविटी का रेट जो होता है वो अलग अलग होता है. तो उसके बेसिस पे हम लोग ये एक सीरीज बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रहा है. तो सबसे पहला जो होता है, हम ऑर्डर लिख रहे हैं, ये लिखते जाना तुम लोग. सबसे पहला जो आता है इसमें आता है पोटाशियम. पोटाशियम सिंबल क्या होता है पोटाशियम का, के. इसके बाद आएगा सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na. तीसरा होता है कैल्शियम. कैल्शियम का सिंबल होता है Ca. फिर आता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg. ठीक है, इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का सिंबल Al. इसके बाद जिंक, सिंबल Zi. इसके बाद आता है आयरन, सिंबल क्या होता है, Fe. इसके बाद है टिन. टिन का सिंबल Sn. इसके बाद आएगा लेड. लेड का सिंबल होता है Pb. ठीक है, और इसमें हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करते हैं. हाइड्रोजन देखो, ये ध्यान, हाइड्रोजन मेटल नहीं है. ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं रेफरेंस के लिए. ठीक है, वो हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि कुछ मेटल्स जो है, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रहता है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है. तो हाइड्रोजन एक रेफरेंस के लिए हम लोग यूज किए कंपेयर करने के लिए प्रॉपर्टीज में. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है. इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर. कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu. इसके बाद आता है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का मतलब, मर्क्यूरी मेटल है, ये सिंबल होता है Hg. ठीक है, इसके बाद आता है सिल्वर. सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag. इसके बाद आता है गोल्ड. गोल्ड का सिंबल Au. और इसके बाद आता है प्लैटिनम. प्लैटिनम का सिंबल होता है Pt. ठीक है, ये है मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज. मतलब टॉप टू बॉटम, जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग, तो ऊपर से नीचे देखेंगे क्या, मेटल का रिएक्टिविटी घटते जाएगा. और टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटल रिएक्टिविटी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम, फिर सोडियम. तो इस ऑर्डर में याद करना है इसको, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
सर मर्क्यूरी के बाद वाला दिखाइए ना. हाँ मर्क्यूरी के बाद ये है सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम. हो गया सर. दो बसें, एक बस इधर जा रहा है और दूसरा बस सेंटर ले ली जा रहा है. क्या कैनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? हो गया सर. बस हो गया. आदमी अगर देखा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना देखा होगा? चलो ठीक है. हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्या रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. ठीक है यही चीज हम लोग देख रहे हैं. तो एक चीज ध्यान रखना कि मेटल जो है इस मेटल जो है कोई वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है. मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस रिलीज होता है. हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है. तो ये ध्यान रखना मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ठीक है. अब इसमें देखो टॉप के जो तीन मेटल हैं ये ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है. पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स का रिएक्शन जब भी वाटर के साथ होगा यहाँ पे सबसे पहला लिखना है पोटेशियम का के प्लस एच टू ओ. ये जो है पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है KOH और प्लस H2 गैस रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस से. ये KOH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला KOH का नेम क्या हो जाएगा इसका बताओ? ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये रिएक्शन जो होता है ना बहुत ही विगोरस रिएक्शन होता है. विगोरस मतलब बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा. ये रिएक्शन कैसा होता है? वायलेंट एंड विगोरस रिएक्शन. इसको हम लोग वायलेंट एंड विगोरस रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में जो है ये आग आग भी पकड़ लेता है. ठीक है क्योंकि पोटेशियम का रिएक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा. ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है. तो वायलेंट एंड विगोरस रिएक्शन. इसी टाइप का विगोरस रिएक्शन सोडियम के साथ भी होता है. सोडियम प्लस H2O ये भी बनाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस. ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड. और थर्ड जो मेटल होता है कैल्शियम. अब कैल्शियम में थोड़ा सा रेट स्लो हो जाता है. ठीक है क्योंकि ये इन दोनों से कम रिएक्टिव मेटल है तो ये थोड़ा सा स्लो होता है रिएक्शन. और ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग इसका नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है ये तीन मेटल जो है पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है हाइड्रोक्साइड्स बनाता है. ठीक है अब इसके बाद चौथा मेटल कौन सा आ जाएगा? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ तो मैग्नीशियम उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होता है तो ये ध्यान रखना. मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता इस बार. MgO बना मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. ठीक है ये इसको बोलते हैं हम लोग ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला का नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम के बाद जिंक. तो जिंक भी क्या बनाएगा? Zn प्लस H2O. तो जिंक भी जिंक ऑक्साइड बनाता है. ठीक है ZnO प्लस H2 इसको बोलते हैं हम लोग जिंक
ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड सिर्फ शुरुआत का तीन मेटल ही फॉर्म करेगा, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम। उसके बाद बाकी सारे मेटल जो हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, ये सारे ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह Fe प्लस H2O ये बनाता है Fe3O4 और प्लस H2 ये भी ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये सारे ऑक्साइड बनाएंगे। और यहाँ पे जो लिखा है था, जो मेटल जो है वाटर से नीचे होता है, सॉरी ये हाइड्रोजन से जो नीचे रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये सारे मेटल देखो कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड ये सारे क्या हैं, ये सारे नीचे हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ये सारे वाटर के साथ इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर प्लस H2O, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन, इसके इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्ट कर पाएगा क्या ये? नहीं रिएक्शन होता, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन के नीचे होता है, तो ये कॉपर का रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह सिल्वर का रिएक्शन होगा क्या? Ag प्लस H2O। जो जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, इस केस में भी नो रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह मर्क्यूरी Hg का भी रिएक्शन नहीं होगा, ये भी नो रिएक्शन है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, ये है रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। लिख लियो सारे रिएक्शंस, लिख लो एक एक करके। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, इफ 100 न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय 50, तब क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में ही 100 न्यूटन फोर्स को अगर हम 50 न्यूटन से रिप्लेस कर दें तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन वी इक्वल्स टू ए क्या? यहां ऑब्जर्वर नहीं बैठे हैं, माइनस कितना लग रहा होगा? हो गया सर, हो गया। Yes. एक बार सब सारे रिएक्शंस देख लो, एक बार सबका प्रोडक्ट याद रखना है। तो देखो ये ध्यान रखना कि शुरुआत का तीन मेटल सोडियम पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। उसके बाद जो कि उसके नीचे जो भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देंगे। और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो वाटर से रिएक्ट करेगा क्या? वाटर से रिएक्ट करेगा? नहीं करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से नीचे जो रहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा वाटर के साथ। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो तो ये हो गया। थर्ड जो होता है, अब यहाँ पे लिख लेना कि नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ मेटल का ही रिएक्शन होता है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ठीक है, मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कर रहे हैं, इसमें क्या होगा प्रोडक्ट? तो देखो ये ध्यान रखना, मेटल प्लस एसिड, मेटल कोई एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल प्लस एसिड ये रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये ध्यान रखना।
तो मेटल जैसे मान लो हम लोग ले लिए सोडियम या पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये एसिड, HCl कौन सा एसिड होता है? HCl कौन सा एसिड है? कुछ कुछ एसिड का हम नेम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे लिखो ये HCl कौन सा एसिड का फॉर्मूला है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम ये भी बोलते हैं कि वर्क डन पे ये B पे है, वर्क डन पे फ्रिक्शन ऑन A लिखेंगे तो कितना आएगा? H2SO4, ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड, कुछ कॉमन एसिड का हम नेम लिख देते हैं। और H3PO4 ये है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये कुछ कुछ कॉमन एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि हम लोग लैब में यूज करते हैं। तो इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे मेटल के साथ। तो सबसे पहले देखो, लिख लिए हो क्या इसको? लिख लो। ये बात समझ में आया तो, क्योंकि हम ये सारे चीज कैलकुलेशन बताए नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये मिक्स कर रहे हैं कि कुछ चीज तुम लोग जान गए। लिख लिए सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। तो जैसे कोई भी मेटल है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HCl के साथ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस रिलीज होता है यहाँ पे। तो NaCl क्या है? ये सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट जैसे कोई भी मेटल ले लो, जैसे मान लो कैल्शियम है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग H2SO4 के साथ। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बनाएगा CaSO4 और प्लस H2 गैस। ये होता है, इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 हो गया कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह बताओ, ये बताना मैग्नीशियम प्लस H2SO4 क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ? बोलो प्रोडक्ट क्या आएगा? MgSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। MgSO4 का फॉर नेम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। उसी तरह बताना एल्यूमिनियम प्लस HCl क्या कंपाउंड बनेगा? Al3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, तो ये दोनों इंटरचेंज होगा तो AlCl3 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसी तरह जैसे मान लो नेक्स्ट हम लोग ले लिए Al प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगा? AlSO4। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और SO4 का 2 होता है, Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्लस H2 गैस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ये बताओ क्या बनेगा? Zn प्लस HCl, प्रोडक्ट बताओ यहाँ पे क्या आएगा? और Zn प्लस H2SO4, इन दोनों केस में प्रोडक्ट लिखो। Zn
ZnCl plus ZnCl2, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, तो ZnCl2 और प्लस यहाँ पे होता है हाइड्रोजन गैस, तो यह है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और इसी तरह यह बनेगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन, तो यह है जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, ठीक है। अब जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसका एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है, जैसे कॉपर है। सर हाँ सर, एल्युमिनियम क्लोराइड के बाद नहीं है। अच्छा लिख लो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज, ये जो वाटर, ये ऊपर जो रिएक्शन ऑफ वाटर लिखा है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यहाँ पे दिख रहा है? यस सर। ये ध्यान रखना कि ये पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम इतना ज्यादा बताया है कि ये तीनों क्या होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इतना ज्यादा ये रिएक्टिव मेटल है कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इनका रिएक्टिविटी इतना ज्यादा है कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है। और सर आइस से करेगा? आइस से नहीं, वाटर, ठीक है, उसको वाटर नहीं, कोल्ड वाटर से ही, क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रिएक्टिविटी कम होते जाएगा तो उसका वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तो जैसे मैग्नीशियम जो है ये बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, बॉइलिंग वाटर, अब वाटर को बॉइल करना होगा, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, उसी तरह जिंक में भी वाटर को बॉइल करना पड़ता है, जिंक में और स्टीम का जरूरत पड़ता है, मतलब वो बॉइलिंग वाटर से भी नहीं करेगा और उसको कन्वर्ट करके स्टीम में बदलना होगा, Fe जो है ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे मेटल का रिएक्टिविटी कम होते जाता है उसी तरह वाटर का भी टेम्परेचर हमको बढ़ाते रहना होगा, तब जाके वो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है, मैग्नीशियम में बॉइलिंग वाटर का जरूरत पड़ता है, और फिर उसके बाद जिंक एल्यूमिनियम और आयरन में स्टीम का जरूरत पड़ता है, ठीक है सर। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम को गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे क्या? गर्म पानी से करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा, उसमें पूरा और भी ज्यादा आग लग जाएगा, पहले से ही आग लग रहा था, तो ठंडे पानी से ही इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, तो जितना ज्यादा गर्म करेंगे तो वो और भी ज्यादा तेजी से रिएक्शन होने लगेगा और उसमें आग लगने का ज्यादा खतरा हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग गर्म पानी यूज नहीं करते हैं वहां पे, ठीक है, क्लियर है ना? Yes, sir. चलो तो ये लिख लिया हो ना, लिख लो इसको, मेंशन कर लो। बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टेस बराबर यूटी मैक्स प्लस आपके टेस कर हो गया, तो उसी से
लिख ले। हेलो 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 यस सर लिख लिए। लिख लिए यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो बताए हैं, तो इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल होते हैं वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे वाटर में हम लोग देखे रिएक्शन ऑफ वाटर में मेटल विथ वाटर, उसी तरह यहाँ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड में भी जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे रहेंगे वो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। उसी तरह कॉपर का अगर रिएक्शन हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से भी करें तो यहाँ भी क्या होगा, नो रिएक्शन। इसके अलावा कॉपर और भी जो नीचे मेटल है हाइड्रोजन के नीचे, जैसे कॉपर प्लस HCl भी करें, सॉरी सिल्वर प्लस HCl, इस केस में भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह Ag प्लस H2SO4 भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन के नीचे रहेगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएगा, उसके इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अब इसमें एक चीज नोट करके लिखना, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल मेटल्स ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है, फॉर्मूला बताओ, HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है, डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिकॉज इसका रीजन ये होता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। ये दिख रहा है सबको, बोलो। हेलो, यस सर। चलो इसको लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू फॉर्म वाटर एंड एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो मेटल का जैसे देखो बाकी सारे एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहां पे देख रहे थे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, उसका रीजन यही है, ये रीजन है यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो भी हाइड्रोजन गैस वहां से निकल रहा होगा ना, वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल देगा और वहां से एक नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हमको मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड या तो NO हो जाएगा या NO2 हो जाएगा या N2O हो जाएगा, इन सभी में से कुछ भी मिल सकता है एटसेट्रा। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस हमको नहीं मिल पाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे जिंक का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं HNO3 के साथ,
तो जिंक का रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं तो ये बनाता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, और प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं होता है यहाँ पे, NO2 फॉर्म होता है, NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, ठीक है। ये NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रहा है, तो यही रीजन होता है। यह है जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मेटल होते हैं वो जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और मैंगनीज का सिंबल होता है Mn। ये लिख लेना रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सिर्फ दो ही मेटल होते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे, वो भी बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। वो दो मेटल का नेम क्या क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। इसका रिएक्शन लिख दे रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ, बहुत ही डाइल्यूट है ये, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। ये बनाएगा MgNO3 होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो सिर्फ ये दो ही मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, क्लियर है। हेलो, हेलो,